फंबल मार रहा हूँ यार, स्टंबल भाई, फंबल मार रहा हूँ यार, नया नया अभी व्लॉगिंग सीख रहा हूँ तो उसके ऊपर ऐसे ही फेमस होगा भाई। इसको इस चीज को हम लोग कट कर देंगे, कट 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 कट। तो कैसे हैं आप लोग, आप सबका स्वागत है मेरे इस पहले व्लॉग में। और अभी टाइम हो रहा है 2:45 और मैं अभी जा रहा हूँ मुंबई डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे, मुझे पकड़नी अपनी एक फ़्लाइट। और मैं अकेले नहीं आ रहा, मेरे साथ मेरा दोस्त मोहित भी है। हम लोग जा रहे हैं भुवनेश्वर और उसी के साथ साथ कोलकाता भी जाएंगे। तो अब टाइम क्यों वेस्ट करो, चलो यार चलते हैं, वैसे भी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। ओके, तो अभी बज रहे हैं 4 और हम पहुंच चुके हैं मुंबई डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे। मेरे साथ है मेरा दोस्त मोहित। यो मोहित, व्हाट्सअप? व्हाट्सअप बढ़िया। घर से निकले थे 2:30-3 o'clock के आसपास, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि हमारे जो भाई है मोहित जी, उनको अपना टिकट मिलने में बड़ा टाइम लग गया। ऐसे ही होता है जब आप एकदम अनप्रिपेयर रहते हो। और हमारी फ़्लाइट है अभी 1 घंटे में, बोर्डिंग चालू होगी 45 मिनट्स के बाद, तो सीधा फ्लाइट पे मिलते हैं। चलिए। Lost myself within the fire, breaking free from my desire. So, कल रात को मैं व्लॉग तो नहीं कर पाया क्योंकि हम लोग को आते आते बड़ी देर हो गई थी और एयरपोर्ट से हमें कोई कैब या तो वो भी नहीं मिल रही थी, पर कैसे तो कैसे हम लोग करके फाइनली पहुंच ही गए। फिलहाल अभी हम लोग हैं पूरी में और जा रहे हैं इस समय स्कूटी रेंट करने के लिए। यहाँ के रोड बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही, आप देखेंगे तो अलग ही मज़ा आ जाएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं सिटी रोड पर, सिटी रोड पर हम लोग जाके स्कूटी रेंट करेंगे और फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे कोनार्क के लिए। कोनार्क में सन टेम्पल है, तो सन टेम्पल जाएंगे और उसके बाद शाम को जगन्नाथपुरी टेम्पल जाएंगे। अब देखते हैं आगे होता क्या है, तब तक चलिए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे जो वॉल्स है वो बहुत ही प्यारे हैं, इधर पूरा पेंट किया गया है, यहाँ की कल्चर और यहाँ की आर्ट के बारे में बताया गया है। आप जहाँ पे भी देखेंगे उस तरफ सब फुटपाथ पर इन्होंने बहुत ही प्यार से पेंटिंग की है। और जो सिटी रोड है जहाँ से हम लोग अपना स्कूटी वूटी बुक करेंगे वो हमारे होटल से 3 किलोमीटर दूर है, तो 3 किलोमीटर हम लोग चल के जा रहे हैं, उसके बाद वहाँ से स्कूटी रेंट कर लेंगे। स्कूटी रेंट का यहाँ पे है 300 रुपया एक दिन का, तो बस 300 रुपये भरिए और जहाँ मर्जी वहाँ पे घूमिए। Lost myself within the fire, breaking free from my desire, a heart of gold forged to... शुक्रिया भैया पहुँचाने के लिए हमें बाइक रेंट तक। तो अभी लोग जाएंगे अंदर स्कूटी रेंट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो फिलहाल अभी तक हमें स्कूटी मिली नहीं है, अभी भी हम लोग स्कूटी की खोज हुई है, वो सही स्कूटी मिल नहीं रही हमें जो चाहिए और अभी कोई और जगह पे जा रहे हैं ढूंढने के लिए। स्कूटी चाहिए बोलो। तो फिलहाल हम लोग ये कोई मंदिर के यहाँ पे खड़े हैं, स्कूटी का इंतज़ार कर रहे हैं। वो अंकल और जो स्कूटी का डीलर है वो साथ में गए हैं स्कूटी लेने के लिए। कौन सी स्कूटी है? माइस्ट्रो। तो माइस्ट्रो पे हम लोग जाएंगे अब, बस 10 मिनट में स्कूटी यहाँ पे आ जाएगी फिर निकलेंगे आगे की तरफ। तो अभी हम लोगों ने स्कूटी रेंट कर ली है और सर ने हमें मदद की स्कूटी रेंट करने के लिए, इनका नंबर मैं नीचे डाल दूंगा। तो आपको कभी भी आप यहाँ पे आते हो आपको स्कूटी की ज़रूरत पड़ती है सर को फ़ोन करिए, 350 रुपये में आपको दिन का मिल जाएगा, तो स्कूटी लीजिए और एकदम दमदार स्कूटी है भाई, कुछ मजाक नहीं। यहाँ पे माइस्ट्रो लिया हम लोग ने यहाँ पे होंडा का। तो अब चलिए आगे चलते हैं। और सर आपने ही बहुत, सर आपका नाम बता दीजिए।
मानस मिश्रा सर, आपका भी नंबर डाल देंगे, कभी किसी को जरूरत पड़ा तो आपको सीधा कॉन्टैक्ट करेंगे लोग। कभी भी कोई यहाँ पे घूमने आया, ये उनके लिए एक वीडियो है छोटा सा, कि अगर कोई घूमने आता है तो वो देख ले, जान ले कि ये जगह कौन सी है, तो उसके हिसाब से वो लोग यहाँ पे घूम फिर सकते हैं आराम से। चलिए सर। On this journey we will find our souls begin to intertwine, your heart of gold so pure divine, and I lost myself within. बहुत बुरा हो गया यार, गोबर पे पाव रख दिया मैंने, दिखा भी करो। शुभ काम किया भाई। हाँ हाँ ज़रूर, शुभ काम किया। तो फिलहाल निकल गए होटल से, जा रहे कोणार्क की ओर। यहाँ से 33 किलोमीटर्स है यहाँ से कोणार्क जाएंगे। कोणार्क में सन टेंपल है, बचपन में देखा था यार सन टेंपल, फ़ोटोज़ में देखा करता था स्कूल के टाइम पे। आज पहली बार विजिट करूँगा, एक्साइटेड टू। चलो चलते आगे, आके देखते हैं। तेरा कैमरा अपने इसमें फिट कर देते हैं। मैं वो वाला कैमरा लाया हूँ। चल तो चलो यार, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो रोड्स है टोटली ये मिनी गोवा लगता है यहाँ का। टिपिकल गोवा वाला रोड है यहाँ पे। स्कूटी है हमारे पास, और क्या है यार, मौसम है, मौसम फिलहाल धूप नहीं निकली है, प्लेजेंट मौसम है, बारिश आने की कुछ ऐसा चांसेस तो नहीं लग रहा है। चलो और क्या, आगे बढ़ते हैं, कोणार्क सन टेम्पल जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे हमारे लिए क्या रखा गया है। अभी हमें और 30 किलोमीटर चलना बाकी है, यही एक घंटा पकड़ लो, पर ये एक घंटे का सफ़र भी पता नहीं कब निकल जाएगा, इतने मज़े में यहाँ पे अलग ही मज़ा आने वाला है। तो फिलहाल हम आधे रास्ते पहुँच चुके हैं, इधर से कोणार्क सिर्फ और 10-12 किलोमीटर और है, पर यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो है यहाँ का व्यू। जस्ट लुक एट दैट कैनेपी ब्रो, जस्ट लुक एट दैट कैनेपी। वो जो पेड़ जो ऐसा गुफा टाइप बना रहा है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे मैं मोहित का थोड़ी शूटिंग करूँगा, मोहित का थोड़ा फोटो शूट करूँगा। सो मोहित, यू एक्साइटेड ब्रो? यू एक्साइटेड? वेरी मच। तो फिलहाल तो कोणार्क पहुँचे नहीं है, कोणार्क अभी यहाँ से और 5 किलोमीटर दूर है, पर हमने यहाँ पे एक छोटा सा हॉल्ट लिया है और ये हॉल्ट देखने लायक है। इधर का जो सीनरी है वाला, बीच हो रहा मोहित वहां पे। यहाँ पे जो वेव्स है ये अगर मुंबई के कोई भी बीच से या फिर गोवा के बीच से कंपेयर करेंगे तो ये कुछ ज्यादा ही बड़ी वेव्स है, और यहाँ पे गोवा जैसा पानी में जाना अलाउड तो है नहीं। ओ ये नज़ारा देखने लायक है, मैं भी गीला हो गया यार, ये वेव्स कुछ ज़्यादा ही तेज है यार। ज़रा दिखाओ यार पीछे का, ओहो। मैं यहाँ पे मोहित का भी फ़ोटो खींच रहा था। मैं अभी मोहित का यहाँ पे फ़ोटो खींच रहा था, उसको मैंने बोला कि बैठ के एक पोज दे। जब तक वो बैठा पीछे से वेव्स आई और उसकी पैंट को पूरी गीली कर दी। इधर का व्यू सही में देखने लायक है यार, सही में देखने लायक है। तो फाइनली एक घंटे के बाद हम लोग कोणार्क टेंपल में हैं। कोणार्क टेंपल देखने लायक है, आप सबको भी दिखाता हूँ नज़ारा कोणार्क टेंपल का। तो ये है मेन टेंपल, यहाँ पे कुछ गार्डन टाइप है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, पर शायद से भी ऑफ सीज़न है कि क्या है, लोग ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे। तो चलिए आगे का देखते हैं, सांस फूलने लगी।
journey we will find. Our souls begin to intertwine. Your heart of gold so pure, divine. And I lost myself within the fire, breaking free from my desire. A heart of gold forged to inspire. It's starfire. आप सबको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये टेंपल मस्ट विजिट है सबके लिए, चाहे आप कहीं पे भी रहते हो, एक ना एक बार इस टेंपल को विजिट करो। ये टेंपल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज था। तो यहाँ पे 24 ऐसी व्हील्स है जिसके ऊपर ये चैरिट बेस्ड है, एंड जब सनराइज इसके ऊपर पड़ती है तो ये एक एक्चुअल क्लॉक की तरह काम करता है। तो आप समझ सकते हो कितना अच्छी तरीके से पहले के लोगों ने इसको बनाया होगा। एंड देर आर टोटल 64 सेक्सुअल पोजिशंस व्हिच आर एंग्रेव्ड हियर। सो ये जो आप लोग मूर्तियाँ देख रहे हो, दीज आर एक्चुअली सेक्सुअल पोजिशंस। I am not kidding on this thing, right, Mohit? I'm not kidding, right? तो अभी हम लोग एक जगह पे हैं, ये एक मंदिर है, लोग यहाँ पे चिल्लर विल्लर फेंकेंगे, हम लोग भी यहाँ पे एक चिल्लर फेंकेंगे। तो ये मोहित बी लाइक मोहित बी सो संस्कारी। तो अभी हमने देख लिया है कोनार टेंपल पूरा, ये मेरे पीछे है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इसके बाद जगन्नाथ पुरी टेंपल। यहाँ से हमें वापस और 30 किलोमीटर जाना होगा स्कूटी पे। अब मेरी बैटरी भी थोड़ी लो हो गई है, तो अभी सीधा मिलते हैं हम लोग जगन्नाथ पुरी पे।